वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास जी रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ज्वेलरी हॉल। और ये जो ज्वेलरी है मैंने सारी एक इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर किया, दैट इज एवर स्टाइलिश। आपने नाम सुना होगा। एंड मेरे को कब से इस पेज से ना कुछ खरीदना था, तो मैंने ना एक लिस्ट बना रखी थी कि ये भी चीज लेनी है, वो भी चीज लेनी है, वो भी चीज लेनी है। तो अब जब मैंने फाइनली परचेज कर ली तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ उसका हॉल शेयर कर देती हूँ। एंड सच्ची बताऊं तो मुझे काफी कुछ पसंद था इनके पेज से, बट द थिंग इज कि बजट मेरा जितना था मैंने उसी हिसाब से फिर इसकी जो ज्वेलरी है वो परचेज किया है। एंड ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है छोटू सा बॉक्स जो अभी अभी मेरे घर पे आया है एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं अभी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है मैंने। ओके गाइस, तो फर्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स है मेरे पास, ये बहुत ही प्यारे से हार्ट शेप्ड इयररिंग्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। सबसे पहला रीजन इसको इतना ज्यादा पसंद करने का है कि ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। ये आपके डे टू डे वियर में अगर आप जीन टॉप पहन रहे हो या कोई वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हो या फिर कोई फ्रॉक वगैरह पहन रहे हो तो बहुत ही प्रिटी लगेंगे, क्योंकि इसका जो स्टाइल है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारे से इयररिंग्स हैं ये वाले। हार्ट शेप जो है वो मार्बल वाली लुक में है, दैट्स व्हाई ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड इसका प्राइस इज जस्ट 98 रुपीज, दैट इज वेरी वेरी क्वाइट डिसेंट आई थिंक। सो आई लव दिस इयररिंग्स और इस इयररिंग्स को मैं दूंगी 5 में से 4 मार्क्स। काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड बहुत ही अच्छे प्यारे से दिखते हैं। सो यस, 5 में से 4 मार्क्स इस इयररिंग्स को मैं देना चाहती हूँ। गाइस, नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स की अगर मैं बात करूँ देन दिस वन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर वाले इयररिंग्स हैं एंड दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपने कोई व्हाइट कलर का टॉप पहना है या येलो कलर का टॉप पहना है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है। एंड आई लिटरली लव दिस वन। इसका भी प्राइस जो है वो 98 रुपीज है एंड काफी ज्यादा लाइट वेट है। सो अगर आपको लाइट वेट इयररिंग्स काफी ज्यादा पसंद है देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस वन। बहुत ही ज्यादा प्यारे से लगते हैं। सो यस, ये वाली इयररिंग्स को मैं दूंगी 5 में से 4.5 मार्क्स क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। सो इसी के साथ मैं आपको अपना नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स जो है वो दिखा देती हूँ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है मेरे पास ये प्यारे से इयररिंग्स। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा सुंदर है, ऑक्सीडाइज्ड वर्क है एंड बीच में ना पर्ल है। जो पर्ल है वो 4 चांद लगा देता है अपने इयररिंग्स को एंड काफी ज्यादा सस्ते वाले रेट पे ये मिल रहे थे तो दैट्स व्हाई मैंने इसको फटाक से ऑर्डर कर लिया। बट एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जब मुझे ये इयररिंग्स रिसीव हुए थे ना तो इट वाज लाइक थोड़ा सा टेढ़ा था ये ऑक्सीडाइज्ड वाली चीज जो है ना, वो थोड़ी सी मुड़ के आई थी तो इसको मैंने सेट कर लिया तो ये सेट हो गई थी। एंड वैसे ये इयररिंग्स जो है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। पर्ल का तो आजकल वैसे ही ट्रेंड है और ऑक्सीडाइज्ड कभी भी ट्रेंड जो है वो जा नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई ये दोनों का मिक्सचर जो है वो मैंने ले लिया। एंड यस, इस इयररिंग्स को मैं दूंगी 5 में से 4.5 मार्क्स। सो यस यू गाइस, मुझे ना काफी टाइम से नोज रिंग चाहिए थी एंड जहां पे मैं रहती हूँ ना वहां पे अगर मैं नोज रिंग देखने चली जाऊं तो वो मेरे को छोटी सी नोज रिंग का पता है क्या प्राइस क्योर करते हैं, 100 रुपीज 120 रुपीज। तो मतलब मुझे वर्थ नहीं लगता था। अभी मैंने जब ये वाली साइट से शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा यार श्रेया आज ना नोज रिंग ले ही ले एंड ख्वाहिश पूरी कर ले अपनी, क्योंकि ब्लैक आउटफिट के साथ ना काफी ज्यादा पटाखा लगती है नोज रिंग। सो दैट्स व्हाई मैंने ये बाय कर ली एंड मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। सो ये वाली जो नोज रिंग है ये है 40 रुपीज की एंड मुझे काफी ज्यादा डिसेंट प्राइस लगा इसका एज कम्पेयर टू जो लोकल मार्केट क्योर करती है। सो यस, ये वाली जो नोज रिंग है इसको भी मैं दूंगी 5 में से 5 मार्क्स एंड दिस वन इज वेरी वेरी क्यूट। सो गाइस, नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज, मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है जैसे वेबसाइट पे दिख रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको इमेजिन किया था कि ये दोनों कानों के लिए आएगी बट ये एक ही कान के लिए आई है, मतलब ये वन साइड की है एंड शायद मेरे पढ़ने में गलती होगी होगी। सो अभी ये वाली जो ईयर कफ है ना ये मुझे लगाना नहीं आ रहा है, बट जैसे ही मैं लगा पाऊंगी ना इसको तो मैं यहाँ पे वीडियो जो है वो अटैच कर दूंगी। एंड दिस वन इज गुड बट नॉट दैट परफेक्ट जो कि मैंने इसको इमेजिन किया था। अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो 98 रुपीज का मैं ये ईयर कफ तो कभी भी ना लूं एक वाले ईयर का, सो मैं ये रिकमेंड नहीं करती हूँ आपको। सो इसी के साथ मैं आपको अपनी नेक्स्ट परचेज जो है वो दिखाना चाहती हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट चीज जो है मेरे पास दैट वन इज दिस ब्यूटीफुल ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड ब्रेसलेट है एंड काफी ज्यादा सुंदर है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड दिस लुक्स वेरी क्यूट जब आप इसको अपने हाथों में बांधोगे एंड काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका लगा था कि भी इसकी लेंथ जो है वो काफी ज्यादा बड़ी आएगी तो मैं इसको एज अ पायल भी यूज कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है, डिसेंट लेंथ का ये आया है एंड कुछ ज्यादा बड़ा लेंथ वाइज नहीं है।
सो आप डेफिनेटली इसको एज अ ब्रेसलेट यूज कर सकते हो. सो यस, इस परचेज को मैं दूंगी 5 में से 4 marks. सो गाइज, इसी के साथ मैं आपको अपना नेक्स्ट पेयर ऑफ इयरिंग्स एंड लास्ट पेयर ऑफ इयरिंग्स दिखाना चाहती हूँ. दिस वन इज रियली वेरी ब्यूटिफुल. आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर इयरिंग है ये, और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है एज कम्पेयर टू बाकी वाले इयरिंग्स. बहुत ही ज्यादा अच्छी डिटेलिंग है इसकी. एंड बाय द वे, ये वाले जो इयरिंग्स है वो आपकी हर एक आउटफिट के साथ जा सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी बड़े प्यारे लगेंगे एंड इंडियन वेयर के साथ भी आप इसको पहन सकते हो. और इसकी एक और खास बात बता देती हूँ कि इसके अंदर सिल्वर वर्क भी है एंड गोल्डन वर्क भी है, तो सो डेफिनेटली आप इसको वियर कर सकते हो अलग अलग ओकेजन में अलग अलग आउटफिट के साथ. तो दैट्स व्हाई मैंने इसको परचेज कर लिया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल इयरिंग्स है. सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा ज्वेलरी हॉल फ्रॉम एवर स्टाइलिश, एंड ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया. एंड वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आपकी कोई हल्दी फंक्शन है या मेहंदी फंक्शन है तो आप डेफिनेटली इनका लग्जूरियस सेक्शन जो है वो चेकआउट कर सकते हैं. काफी ज्यादा ब्यूटीफुल वाले इयरिंग्स हैं, मुझे वो चाहिए नहीं थी, दैट्स वाई मैंने उसको परचेज नहीं किया. बट यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स जो है वो इंसर्ट डेफिनेटली कर दूंगी, आप देख लेना. बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट से इयरिंग्स हैं. सो यस गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी एंड मेरा छोटा सा हॉल जो है वो पसंद आया होगा. सो अगर आपको कोई और ऐसी वीडियोस देखनी हो एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और इंस्टाग्राम पेज को एक्सप्लोर करूं एंड उससे बाय करूं एंड आपके लिए हॉल लेकर आऊं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.